10 बजे तक सो रही हो, ससुराल में जब 7 बजे से किचन में लगना पड़ेगा तब पता चलेगा। कुछ पापा की परियों को छोड़ दें तो लगभग हर मिडिल क्लास लड़की को ये वाक्य बोलकर जगाया जा चुका है, और जिन्हें नहीं जगाया गया उनसे मुझे बहुत ज्यादा जलन है, लेकिन उनके घर वालों के लिए बहुत सम्मान भी है। एक बड़ी प्यारी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, और मेरे पास जो बिल्ला है मेरा, मेरे साथ रहता है, उसने इस पर मेरा भरोसा बढ़ा दिया है। इफ़ यू लव समवन लेट देम स्लीप, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें सोने दें, पंखा बंद करके झाड़ू मत लगाओ वहां पे। खैर, ये सब तो बेकार की बातें हैं। झाड़ू कमरे में समय से लगना जरूरी है, चाहे आप अपने लैपटॉप में 3 फिल्में निपटाकर सुबह 6 बजे सोए। अपने बच्चों को समय से जगाने के लिए आप कुछ भी कर लें। बड़ी होती बिटिया को दुनिया के तौर तरीके सिखाने जरूरी हैं, आप जरूर सिखाएं। घर के काम सिखाएं, बैंक के काम सिखाएं, गाड़ी का टायर बदलना सिखाएं, मगर बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। कुछ तरीके ऐसे हैं सिखाने के जो गलत हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं और नारी की खास पेशकश म्याऊं। ये शो है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और उन पुरुषों के लिए जो एक बेहतर और बराबर समाज चाहते हैं। और एक बड़ी घिसी पिटी सी बात है कि बदलाव की शुरुआत घर से होती है, तो अगर आप भी अपनी बेटियों से ये बातें कहते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। पहली बात, बात बात में ससुराल का रेफरेंस लाना बंद कर दीजिए। कैसे? चपर चपर करके खाती हो, ससुराल में लात खाओगी। अभी ऐश कर लो, ससुराल जाओगी तब पता चलेगा। ठीक से रोटी नहीं बेल पाती, सब्जी चौकना नहीं आता, ससुराल जाकर नाक कटाओगी। क्यों चाहिए तुम्हें अलग कमरा? जाना तो तुम्हें दूसरे घर ही है। जब ससुराल जाओगी तब बढ़िया वाली ज्वेलरी के साथ भेजेंगे। ये क्या काजल पोत लेती हो, शादी के बाद मेकअप सेकअप करना। और सबसे क्लासिक, बेटा मम्मी के ऊपर टांग रख के लेट लो, ससुराल जाओगी तब ये सास के साथ करके देखना। ऐसे हजारों वाक्य जो कैजुअली घर में लड़कियों से बोल दिए जाते हैं उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बेटी के साथ मम्मी पापा खुद को भी ये समझा रहे हैं कि ये एक पराया व्यक्ति है जो हमारे घर में बैठा हुआ है। ऊपर से लड़कियों के अंदर ससुराल का डर अलग भर जाता है। अरे, आप अपनी बेटी को सभी तरह के शऊर सिखाइए, मगर इसलिए सिखाइए क्योंकि उसे एक दिन घर से बाहर निकलना होगा, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। ऐसा क्यों है कि अडल्ट वर्ल्ड की परिभाषा आपने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग गढ़ रखी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ससुराल जाकर ही आपकी बेटी दुनिया भर के स्ट्रगल्स करेगी? आप उससे ये क्यों नहीं कहते कि खाना बनाना सीख लो, वरना एक दिन मेस का खाना खाना पड़ेगा? सोचिएगा। दूसरी बात, सुनना सीखो, सहना सीखो। पीरियड क्रैम्स हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, आगे चलकर बच्चा करोगी तब तो और दर्द होगा। भाई, ये कैसी बात हुई कि फ्यूचर में पेन होगा तो मैं अभी पेन किलर ना खाऊं? क्या आप अपने बेटे को ये बोलते हैं कि अभी फ्रैक्चर है तो इलाज मत करवा, 50 की उम्र के बाद तो हड्डियां तेरी वैसे भी कमजोर हो जाएंगी? सीरियसली। और बात यहाँ केवल फिजिकल दर्द सहने की नहीं है। पड़ोसी से ना लड़ो, सड़क पर उल्टा सीधा चलने वालों से मत लड़ो, दुकानदार वाल से मत लड़ो, क्लास के लड़कों से मत लड़ो, किसी रिश्तेदार ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो चुप रहकर सुन लो, दादी की दकी अनूसी बातें सुन लो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, चुप रहना सीखो। काश इसके बजाय अपनी बेटियों को बोलना सिखाते तो कभी ऑफिस में, कभी पराए शहर में मकान मालिक के यहाँ, कभी किसी सीनियर द्वारा, कभी फेसबुक पर किसी फ्रॉड के द्वारा उसे बेवकूफ ना बनाया जा रहा होता। चुप रहने की जगह अगर आप अपनी बेटी को सवाल पूछना सिखाएंगे तो वो देश की बेहतर नागरिक बनेगी, बशर्ते आप उसे खुद एक नागरिक मानते हो, दान में दी जाने वाली भेड़ बकरी ना मानते हो। तीसरी बात, मम्मी मैं ऋषिकेश चली जाऊं? नहीं, पति के साथ जाना। ये सब कपड़े पति के सामने पहनना, ये शौक पति पूरे करवाएगा, पति खिलाने ले जाएगा तुम्हें तुम्हारी पसंद का सब टटर पटर। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब कहते हुए मम्मियां जो है वो मनी मन क्यूट फील कर लेती हैं। आपको लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि पति कैसा व्यक्ति होगा। एक लड़की को हम सक्षम बनने के लिए क्यों नहीं कहते कि वो खुद कमाकर अपने शौक पूरे कर ले? क्यों हम उसके पति और पति की इनकम को बीच में जरूर ले आते हैं? इससे ये पता चलता है कि आज के दौर में भी लड़कियों के करियर और प्रोफेशन को हम बस उनके साइड काम की तरह देखते हैं, और प्राइमरी काम आज भी बीवी और बहू की भूमिका को मानते हैं। वो एक गाना है ना, मैनू लहंगा ले दे महंगा, या फिर चिट्ठियां कलाइयां जिसमें लड़की कहती है कि तू मुझे शॉपिंग करा दे। फ्रैंकली, उस हीरोइन के पेरेंट्स ने अगर उसे खुद कमाने के लिए ट्रेन किया होता तो वो पति के भरोसे नहीं होती। चलो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हुई, ये वो वाक्य है जो बेटी के लिए दूल्हा फाइनल करने के बाद कही जाती है।
जब से बेटी पैदा होती है उसकी शादी की टेंशन आप सर पर ले लेते हैं। ये वही देश है जहां आज भी लोग बेटों की चाह में बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं और उसके पीछे भी यही मानसिकता है। इस बात से आप ऑफेंड होंगे, कहेंगे कि हम अपनी बेटी को बोझ समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आप उसकी शादी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, उसी दिन अनकहे तौर पर आप बेटी को बोझ बना लेते हैं। एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, बेटी की शादी में काम आएगी। यहां पैसा लगा दो, बेटी की शादी में निकालना। कमाल की बात है कि अधिकतर परिवारों में बेटी के पैदा होते ही ख्याल उसकी शादी का आता है। वो चलना नहीं सीखती, आप उसकी शादी सोचने लगते हैं, उसके करियर के बारे में नहीं सोचते। और उससे भी कमाल की बात यह है कि उसकी शादी के टेंशन के बीच आप अपना खुद का ही रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। इसी से जुड़ी है वो चौथी बात जो आपको बेटियों से कहनी बंद कर देनी चाहिए। कौन सी बात? आगे चलकर शादी भी करनी है। हर परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करे। माँ बाप हमें बड़ा करते हैं तो खुद अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, तब जाकर हमारे लिए वो सेव कर पाते हैं। मगर बच्चों की डिमांड को आप क्या कहकर नकारते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। लड़का हो तो कहते हैं इतनी हमारी हैसियत नहीं, बहन की शादी भी करनी है। लड़की से कहते हैं या तो तुम्हारे शौक पूरे कर पाएंगे या तुम्हारी शादी करवा पाएंगे। लड़के के ऊपर एक अनकहा बोझ रहता है कि वो जल्दी कमाना शुरू कर दे जिससे बहन की शादी अच्छे से हो सके। यकीन मानिए, कोई भी बेटी ये नहीं चाहेगी कि आप अपने खुद के शौक पूरे ना कर पाएं क्योंकि आप उसकी शादी प्लान करने में लगे हुए थे। अब आती हूँ पांचवी और उस फाइनल बात पर जो मुझे लगता है बेटियों से कभी नहीं कहनी चाहिए। अक्सर मम्मी या फिर पापा मम्मी के थ्रू बेटियों को कहलवाते हैं कि वेट घटा लो, शादी करनी है। वेट बढ़ा लो, जो बहुत पतली दुबली लड़कियां होती हैं, वेट बढ़ा लो, शादी करनी है। लासिक से ऑपरेशन करवाकर इसका चश्मा हटवा दो वरना शादी में दिक्कत होगी। बाल छोटे मत रखो, बड़े रखो क्योंकि शादी में दिक्कत होगी। दांतों को तार से बंधवाकर सीधा कर लो वरना शादी में दिक्कत होगी। अब बड़ी हो रही हो, ठीक से रहा करो, ठीक से चला करो, ठीक से बैठा करो। जवान होती कोई भी लड़की सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस रहती है। उसकी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, बाजार और टीवी के विज्ञापन उसके लिए पहले ही सुंदरता के ऐसे मानक तय कर चुके हैं जिनके बराबर वो खुद को नहीं पा रही है। उसमें आप ही अपनी बेटी को उसकी बॉडी के बारे में कॉन्शियस कर देंगे तो उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? आप एक्चुअली अपनी बेटी को एक ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसके वयस्क होने के बाद भी कई साल बाद होने वाली है। इनफैक्ट आप उसको एक नुमाइश के लिए तैयार कर रहे हैं कि ग्राहक उससे निराश ना हो। आप अगर खुद ही अपनी बेटी को एक सुंदर गुड़िया में तब्दील कर देंगे तो अगले के लिए भी वो एक वस्तु ही रह जाएगी। तो आप सोचिएगा इन पांचों बातों के बारे में और ये भी सोचिएगा कि अगर आप अपनी बेटी से सचमुच प्रेम करते हैं तो क्या आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य उसकी शादी और उसे अच्छी बहू बनाना होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले एपिसोड में हम ऐसी पांच चीजें लेकर आएंगे जो माँ बाप को अपने बेटों से नहीं कहनी चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।